हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने क्लास के एग्जाम में बेस्ट होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स की क्वालिफाइड कैंडिडेट के स्कोर कार्ड के हाईएस्ट मार्क, टोटल सीट और कैटेगरी वाइज सीट और रिजर्वेशन की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा दी गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आपको बता दें कि जो मैं एक्सपेक्टेड आपको देने वाला हूँ, ये हमारी टीम के द्वारा बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और इसे बनाने में हमें एक से दो दिन का वक्त लगता है। तो आपको हम बता दें, जो हम स्कोर कार्ड आपको बताएंगे, यानी जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया जाएगा, वो 90% जो है NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी की गई कट ऑफ के सिमिलर होगी, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम जो है बहुत ही बारीकी से इस पर काम करती है, जिससे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्योंकि जो है, आपको बता दें, चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो हमारा सैनिक स्कूल है, यहाँ क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ के लिए सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में दिया गया है। तो पहले इस वीडियो में हम जो है चंद्रपुर के क्लास सिक्स का कट ऑफ का डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम क्लास नाइन्थ का भी डिस्कस करेंगे और आपको किस सैनिक स्कूल का आगे आपको कट ऑफ चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स पर आप अपना क्वेरी रख सकते हैं कि आपको किस सैनिक स्कूल का कट ऑफ चाहिए। तो बच्चों, चलिए पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा ऑफिशियल साइट कहलाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ पर एक दिया जाता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें आपको बताया गया है कि जो चंद्रपुर महाराष्ट्र सैनिक स्कूल में कितनी सीट है क्लास वाइज और हमारा कैटेगरी वाइज, सारा का सारा जेंडर वाइज सारा का सारा इसमें डिटेल दिया है। और रिजर्वेशन प्रक्रिया जान लेते हैं, जिससे आपको हेल्प मिले कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें हमको जाना पड़ेगा 58 नंबर के पेज पर। तो चलते हैं उस नंबर के पेज पर। जैसे पहुँचेंगे 58 नंबर के पेज पर, तो यहाँ पे हमारा जो है रिजर्वेशन इन कैटेगरीज एंड वैकेंसी का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपका देखिए, इसमें जो हमारा है, इसमें दिखाया गया है कि हमारा जो लिस्ट ए कहलाती है वो होम स्टेट का कहलाता है और लिस्ट बी कहलाता है अदर स्टेट का। तो SC को जो है 15% मिला हुआ है, ST का 7.5%, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 27%, और उसमें जो बैलेंस बचती है उसका 25% डिफेंस को जाता है और जनरल को जाता है, बाकी बचा हुआ सीट जाता है। तो हम बता दें आपको कि यही इसी क्राइटेरिया और रिजर्वेशन प्रक्रिया के हिसाब से आपका जो हमने चार्ट तैयार किया है, एक प्रिफेयर किया है, जो 100% करेक्ट है, 99% करेक्ट है, जो हमारे NTA के द्वारा जारी होगी। सीट का जो बंटवारा है, हम बात करेंगे सैनिक स्कूल चंद्रपुर की, तो ये हमारा लिखा है चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो आता है। तो आपको हम बता दें कि इस सैनिक स्कूल में जो है क्लास सिक्स के लिए हमारा जो है 80 वैकेंसी बॉयज के लिए है, 10 वैकेंसी हमारी जो है गर्ल्स के लिए है, टोटल 90 वैकेंसी क्लास सिक्स में है और 90 ही वैकेंसी जो हमारा क्लास नाइन्थ के लिए है। तो आपको हम बता दें, इसमें ऑल कैटेगरी का जो वैकेंसी अवेलेबल है, यानी कि SC ST OBC डिफेंस और जनरल कैटेगरी, सारे के सारे कैटेगरी के बच्चे इसमें आएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास सिक्स के कट ऑफ के बारे में। टोटल वैकेंसी हमारी है 90 है, उसमें से मेल का 80 आ रहा है और फीमेल का 10 आ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल का, बात करेंगे हम तो मेल में देखिए हमारा जो है लिस्ट ए की बात करेंगे, तो लिस्ट ए में हमारा यहाँ पे जो है होम स्टेट की बात करेंगे और टोटल जो मेल को हमारा जाता है टोटल वैकेंसी वो जाता है 54 वैकेंसी जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करें कैटेगरी की, पहला कैटेगरी हमारा है ST SC OBC डिफेंस और जनरल। डिफेंस हमारा एक्स सर्विसमैन वाला है, सीट हमारी यहाँ पे दी है। इसके बाद मेडिकल में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा और हाईएस्ट मार्क कितने हैं, हमारा कैटेगरी वाइज जेंडर वाइज हमारा जो है, और सिलेक्शन कितने में होगा, कितने प्लस से आपका सिलेक्शन होगा। हमने आपको जो है इसमें हाईएस्ट नंबर भी बताया है कि जो सबसे अधिक बच्चे का जो है इस कैटेगरी में किसका नंबर है और सिलेक्शन कितने से प्लस वालों का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताएंगे कि यदि आपका इतने नंबर से प्लस मार्क है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम SC की, तो SC कैटेगरी में जो हमारा सीट है, जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि टोटल का हमें जो 54 सीट मिला है उसमें से 15% SC को मिलेगा, तो 8 सीटें जो है SC के लिए आती हैं और इनमें से 1:3, यानी कि यदि एक सीट है तो 3 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो 8 सीट है तो 8×3=24, यानी कि 24 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और टोटल इसमें हाईएस्ट मार्क हमारा जो है जिस बच्चे का है वो 249 यानी 249 है, और सिलेक्शन किसका होगा, तो हमने टॉप 24 बच्चों को लिया है जो मेडिकल के लिए इनको बुलाया जा सकता है। तो जिन बच्चों का मार्क जो है 140 प्लस आया है, यानी उन्हीं 24 बच्चों का 140 मार्क्स आया है, तो इनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेडिकल के लिए तैयार रहें। ST की बात करें तो 4 सीट इसमें दी गई है, क्योंकि टोटल सीट में से, यानी 54 सीट में से आपको जो है 4 सीट ST को मिलेगा होम स्टेट में। तो इसमें से 12 छात्रों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और हाईएस्ट मार्क जो है 216 है, और 100 से प्लस मार्क वाले बच्चे 12 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनका सिलेक्शन मेडिकल के लिए हो जाएगा, यानी उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब बात करें OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो इनका जो है 15 सीट आ रहा है 54 में से,
27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है, तो 15 या 45 यानी 15 45 बच्चों को जो है मेडिकल के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा। तो 235 जो है इसमें हाईएस्ट मार्क है और 160 प्लस जो मिनिमम मार्क हमारा है 160 है, इतने से लेकर 235 के बीच में जो हमारे बच्चे हैं 45 बच्चे आ रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन 100% आपका हो जाएगा। अब बात करें डिफेंस का, तो डिफेंस में 7 सीट आती है और 21 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और बात करें 228 में हाईएस्ट मार्क है और 150 से प्लस वाले बच्चों का यानी 150 से लेकर 228 तक के बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब जनरल की बात करें, जनरल में हमारी 20 सीट है तो 60 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है इसमें हाईएस्ट मार्क जो है नॉर्मल बच्चों के समान ही है, जो हमारे डिफेंस ओबीसी एसटी एससी के समान है, 238 में हाईएस्ट मार्क है और इसका भी स्कोर बहुत कम जाने वाला है बच्चों, जनरल वालों का भी कम स्कोर में आपका मेडिकल के लिए आपको कॉल लेटर आ जाएगा। तो 170 प्लस यदि बच्चों का स्कोर है जनरल में हमारा चंद्रपुर सैनिक स्कूल में, तो इन बच्चों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब बात करते हैं लिस्ट बी यानी कि अदर स्टेट की बात करेंगे, तो अदर स्टेट हमारा देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट बी में जो हमारा अदर स्टेट है यहाँ मेल का जो टोटल वैकेंसी आ रही है, क्योंकि 33% वैकेंसी जो है अदर स्टेट को मिलेगा, जो हमारा टोटल 80 वैकेंसी है बॉयज का, ठीक है, तो उसमें से 67% यानी 66% वैकेंसी उसमें चली जा चुकी है एक होम स्टेट में। अब अदर स्टेट में वैकेंसी मेल का 26 आ रहा है, क्योंकि 54 + 26 = 80 वैकेंसी टोटल हमारी हो जाती है। और एससी के लिए इसमें 4 सीट मिलेगा और मेडिकल के लिए 12 बच्चों को बुलाया जाएगा, हाईएस्ट मार्क 202 है अदर स्टेट में एससी के लिए, और 100 से प्लस बच्चों का जो है इसमें सिलेक्शन मेडिकल टेस्ट के लिए हो जाएगा। अब बात करें एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, तो 2 सीट इसमें आ रही है अदर स्टेट के लिए, क्योंकि इनका 7.5% सीट होता है। और बात करें उस 33% में से 6 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, 147 हाईएस्ट मार्क है और 115 से प्लस बच्चों को जो है मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अब बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो उसमें 60 सीट आ रही है, 7 में से 21 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, हाईएस्ट मार्क 239 है 239 और 140 प्लस बच्चों का जो मार्क आया है इन लोगों को मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा और इन मेडिकल कॉल के लिए बुलाया जाएगा। तो इन बच्चों को जो है अपनी तैयारी जो है अच्छी से मेडिकल के लिए कर लेनी है। डिफेंस की बात करें 3 सीट इसमें आ रही है, 9 बच्चों के लिए मेडिकल को बुलाया जाएगा और 221 इसमें हाईएस्ट मार्क है, 149 से प्लस बच्चों का जो ऐसे बच्चे हैं 9 बच्चे हैं जो 149 से प्लस में हैं, इन बच्चों को मेडिकल के लिए कॉल लेटर जरूर आएगा। अब बात करें जनरल का, तो इसमें 10 सीटें हैं, 30 बच्चों को जो है 3 गुना बच्चों को जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और बात करें 206 मार्क इसमें हाईएस्ट है और 130 प्लस वाले बच्चों को जो है इनको बुला लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है टोटल वैकेंसी भी आ चुकी है, देखिए टोटल लिस्ट और लिस्ट भी मिला के हमारा 80 वैकेंसी आ चुकी है, क्योंकि बॉयज का 80 वैकेंसी है और 240 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने मार्क्स मैंने बताए हैं ये 100% करेक्ट हैं, आपको 99% जो है करेक्ट मिलेगा जब हमारी मेरिट लिस्ट जारी होगी, आप यहां से चेक कर सकते हैं। ये सारा डाटा मैं जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, मेरी टीम ने बनाया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही वीडियो यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आगे भी ऐसे ही हर सैनिक स्कूल के एक्सपेक्टेड कटा बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। यदि कोई आपको डाउट है, कुछ लगे अगर गलत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस करेक्शन को सही कर दूंगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने गलत बनाया तो, लेकिन हमारे हिसाब से ये सभी जानकारियाँ 99% करेक्ट है, थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो सकता है, एक आध सीट का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी गर्ल्स की वैकेंसी है चंद्रपुर में क्लास सिक्स के लिए, तो यहाँ पे टोटल जो है 10 वैकेंसी हमारी गर्ल्स के लिए हैं और होम स्टेट के लिए जो हमारी हैं इसमें लगभग 5-5 सीटें ही मिलेंगी, क्योंकि जो है टोटल 10 है और हमारा कैटेगरी 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 और सभी कैटेगरी के लिए जो इसमें सीट दिया गया है, तो लगभग सभी को होम स्टेट और अदर स्टेट में एक एक सीट मिलेगा। तो एक सीट के लिए जो है 3 बच्चियों को जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो हाईएस्ट मार्क्स में है हर कैटेगरी में, तो मैंने इनका डायरेक्टली नंबर लिखा है, आप उसमें अपना अपना नंबर चेक कर सकते हैं, जिनका हाईएस्ट नंबर होगा वो यही है, यानी कि जिन बच्चियों का ये नंबर है इन्हीं बच्चों को जो है मेडिकल लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो एससी की बात करें तो होम स्टेट में जिन बच्चियों का नंबर 198 189 और 180 में जो हमारा है, जिन 3 बच्चियों का सिलेक्शन होना है उसके नंबर हैं, ये हाईएस्ट मार्क हमारे हैं 198 189 और 160, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हमारा है 160 है। तो जिन बच्ची का नंबर 160 मार्क आया होगा उसका मेडिकल के लिए जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें एसटी की, तो एसटी की यानी कि 173 141 136 इन बच्चियों का जो है सिलेक्शन मेडिकल के लिए हो जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें होम स्टेट में, तो 223 218 193 यानी 223 218 193 और डिफेंस की बात करें 220 154 151 इन बच्चों का सिलेक्शन होना है। और जनरल की बात करें 220 216 199 इन बच्चों को जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब बात करें हम
अदर स्टेट की बात करें तो एससी में हमारा जो है जिन बच्चों का नंबर आएगा वो है, ये मार्क है 139, 118, 94 और एसटी की बात करें तो 162, 118 और 96, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की बात करें 203, 195, 182। अब बात करें डिफेंस का तो डिफेंस 162, 186, 127। सबसे मज़ेदार वाली बात ये है कि जो हमारा अदर स्टेट में जो डिफेंस के लिए नाम आया है वो सिर्फ तीन ही नाम उसमें दिए गए हैं हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट लिस्ट में, तो इन तीनों बच्चियों का जिनका नाम है सारे के सारे उन तीनों बच्चियों का सलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जनरल की बात करें तो 179, 169 और 163 जिन बच्चों का नंबर इतना आया है उनका सलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने जो है देखिए यहाँ पे जो है क्लास सिक्स का टोटल आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया हूँ जो एनटीए द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के सिमिलर होगी। तो यदि आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो दिल से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपको किस सैनिक स्कूल का जो है उस सैनिक स्कूल का कट ऑफ आपको प्रोवाइड करा सकूँ। जय हिंद जय भारत।